नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर है जहां सिक्स लाइन निर्माण के चलते पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। कोलार के कई इलाकों में दो दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी। निर्माण के चलते दो दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी। कोलार में 25 और 26 जून को पानी नहीं मिलेगा। कोलार सिक्स लाइन में लाइन शिफ्टिंग के चलते शटडाउन रहेगा। राजधानी भोपाल में सिक्स लेन निर्माण के चलते पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है। कोलार के कई इलाकों में दो दिन पानी की सप्लाई नहीं होगी। निर्माण के चलते दो दिन पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। कोलार में 25 और 26 जून को कोलार सिक्स लेन में लाइन शिफ्टिंग के चलते शटडाउन रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता जितेंद्र, जुड़े हुए हैं फोन पर। जितेंद्र, सिक्स लेन के निर्माण के चलते पानी की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है कोलार वासियों को? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो कोलार सिक्स लेन निर्माण का कार्य चल रहा है, उसके चलते कोलार की जो पाइपलाइन है उसमें दो दिन शटडाउन रहेगा, यानी कि कल परसों पानी नहीं मिलेगा कोलार वासियों को। साथ ही वहां से जो सप्लाई आगे होती है उन लोगों को पानी की किल्लत का सामना हो सकता है। इसलिए शटडाउन का फैसला लिया गया है नगर निगम के द्वारा, और जब सड़क बन जाएगी, पाइप शिफ्ट हो जाएगा, उसके बाद लोगों को अगले दिन पानी मिल पाएगा, यानी दो दिन पानी की कटौती होगी। समित जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तमाम बातचीत के लिए। रायपुर से बड़ी खबर है जहां डेकोरेशन की दुकान में आग लग गई। पंडरी स्थित दुकान में आग लगी है। मौके पर पहुंची है दमकल की कई गाड़ियां। पंडरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, आग बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां डेकोरेशन की दुकान में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी है पता नहीं चल पाया, प्राथमिकता है आग पर काबू पाया जाए। पंडरी स्थित दुकान में आग लगी है, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हुई हैं। पंडरी थाना क्षेत्र का ये मामला। रायपुर से खबर, डेकोरेशन की दुकान में आग लग गई। हालांकि आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। पंडरी स्थित दुकान में ये आग लगी है और आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी जाती है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती है, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें यहां पर हो रही। पंडरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां एक डेकोरेशन की दुकान में आग लग जाती है और तुरंत ही दमकल को सूचना दी जाती है, दमकल विभाग को। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं और आग बुझाने की कोशिशें यहां पर होती हुई। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता युगल, जुड़े हुए हैं फोन पर। युगल, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए सुमित, पंडरी में एक दुकान है डेकोरेशन की, उसमें आगजनी की सूचना मिली थी, तत्काल दमकल की गाड़ियों को रवाना किया गया। गनीमत यह रही है कि वहां जहां से धुआं उठ रहा था उन स्थानों पर तत्काल दमकल की टीम ने जो कूलिंग का काम किया है और आग फैल नहीं सकी और तत्काल आग पर काबू पा लिया गया है। अच्छी बात यही है, अच्छी खबर यही कही जा सकती है कि आग को फैलने से दमकल की टीम है उसने रोकने में बड़ी सफलता मिली है और यही वजह है कि आग ज्यादा फैल नहीं पाई और आग को तत्काल फिलहाल कंट्रोल कर लिया गया है। जी सुमित, ठीक है युगल, बहुत शुक्रिया। बलरामपुर से खबर जहां धू धू का जला पेड़। आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया जो कि सोशल मीडिया पर अब वायरल है। शरदापुर गांव की घटना है, हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ इस घटना में। तस्वीरें देख सकते हैं आप, इसी पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी थी और बिजली गिरने की वजह से पेड़ जल गया। उज्जैन की महाकाल के दरबार में पहुंची हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। महाकाल के दर्शन किए, गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल की पूरे विधि विधान से पूजा की, महाकाल का अभिषेक किया स्मृति ईरानी ने।
गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां 6 देसी बंदूक के साथ शिकारी गिरफ्तार हुआ। 4 फरार बताए जा रहे हैं। तीर धनुष और हिरण की खोपड़ी बरामद हुई है इनसे, शिकारियों से। दक्षिण कालाहांडी डिवीजन खलीगढ़ में संयुक्त अभियान उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व एंटी पोचिंग टीम और उड़ीसा वन अमला के साथ ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ। उप निदेशक वरुण जैन ने घटना की पुष्टि की। गरियाबंद से बड़ी खबर, जहां 6 देसी बंदूक के साथ शिकारी गिरफ्तार हुआ है। 4 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। तीर धनुष और हिरण की खोपड़ी भी बरामद हुई। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां 5 भरमार बंदूक और विस्फोटक बरामद हुआ। भरमार बंदूक के साथ 5 गिरफ्तार हुए। बैडीकला बोदाखांडा से गिरफ्तारी हुई है, बरामद हुए हैं हथियार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। जागरूकता कार्यक्रम और सर्चिंग अभियान से पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा किया। 5 भरमार बंदूक और विस्फोटक बरामद हुआ। 5 को गिरफ्तार भी किया गया। बैडीकला पौना खांडा से गिरफ्तार किया है इन सभी को। मुखबिर की सूचना पर चांदो पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा किया है। इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि बाकी शेष बंदूक इनके अपने एक एक बंदूक हैं। इन सभी से पूछताछ किए जाने पर यह पाया गया कि ये 4 बंदूक अपने पुश्तैनी होना बताया जा रहा है, जिसके बारे में अभी तस्दीकी कार्रवाई की जानी है। एक बिरजू नाम का एक महज आरोपी, इनके इसके द्वारा बताया गया कि बड़को जो वहाँ का झारखंड का बरकोल कैंप है, उस इलाके का एक आदमी है, उससे इसके द्वारा खरीद करके उसको लेके आया गया था। गांव के माध्यम से जानकारी मिली कि इनके द्वारा इस हथियारों के माध्यम से जंगली जानवरों की भी शिकार की जाती थी। हमको अंदेशा है कि ये अन्य आपराधिक घटना घटित कर सकते थे। इस आधार पर इनको इनसे सभी बंदूकों जब्त किया जाकर इन सभी 5 आरोपियों को 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत में गिरफ्तार किया। कवर्धा से बड़ी खबर, जहां निजी अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। कोतवाली थाने के चंद्रायन अस्पताल का यह मामला। से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जाने जिस अस्पताल में महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। आरोपी स्टाफ को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। कोतवाली थाने के चंद्रायन अस्पताल का यह मामला। इलाज के दौरान उन्हें हॉस्पिटल से कवर्धा में रेफर किया गया था, तो एक निजी नर्सिंग होम में उसका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज जब उनका पति प्रातः कुछ नाश्ता वगैरह लेने के लिए बाहर गया हुआ था, तो इसी दौरान एक अस्पताल का ही कर्मी अस्पताल में उसकी बीवी के पास में गया था और उनके साथ में उसने अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया था और इसके अतिरिक्त हाथ पांव पकड़ने की कोशिश की थी। और इस पर प्रार्थी के द्वारा सूचना थाने को दी गई थी, जिस पर थाना कोतवाली में धारा 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और इसे गरियाबंद से खबर है, जहां तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। तेंदुए की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार हुए। खाल बेचने की फिराक में थे आरोपी। पुलिस ने तस्करों को जेल भेज दिया। गरियाबंद से खबर, जहां तस्करों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने 4 तस्करों को हिरासत में लिया। तेंदुए की खाल के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए। तेंदुओं की खाल बेचने के फिराक में थे, तभी पुलिस ने धर दबोचा इनको। पुलिस ने तस्करों को जेल भेजा है। ये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में पुलिस स्पेशल टीम एवं थाना की स्टाफ द्वारा मुखबिर की सूचना पर वो तेंदुआ खाल ला रहे हैं करके सूचना मिला था। 2 मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिसे कुसुमबुड़ा तिराह के पास घेराबंदी कर पकड़े गए, जिसमें एक बोरी में सफ़ेद कलर के बोरी में तेंदुआ खाल रखा गया था, जिसे चारों लोगों को पकड़कर थाना लाया गया। ये बेचने के फिराक में ये लोग घूम रहे थे। सुकमा से खबर, जहां प्रदेश को कल मिलेगा पहला रॉक गार्डन। सीएम भूपेश बघेल कल इसका शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के पहले रॉक गार्डन का लोकार्पण करेंगे सीएम भूपेश बघेल। माता राम रामनी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे।
सीएम भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल सुकमा प्रवास पर रहेंगे। ठीक 11 बजे वो रामाराम पहुंचेंगे, जो कि जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर रामारामीन मंदिर में सबसे पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद जो है प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल रॉक गार्डन का उद्घाटन करेंगे। रॉक गार्डन छत्तीसगढ़ का पहला गार्डन है जहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक गुफा बनाई गई है जिसमें पूरे सुंदर कांड का वर्णन किया गया है कि किस तरह से भगवान राम जो है उनका वनवास हुआ था, उसके बाद कैसे सीता मैया का जो है चीरहरण हुआ था, उसके बाद रावण का वध कैसे हुआ था, और भगवान श्री राम का अभिषेक राज्याभिषेक कैसे हुआ था, उस तमाम प्रकार के चित्रों का यहाँ वर्णन किया गया। और इसके अलावा यहाँ पर रॉक गार्डन बनाया गया है, यहाँ पर अलग अलग तरीके की मूर्तियाँ स्थापित की गई है ताकि यहाँ रामारामीन मंदिर में दर्शन करके करने आने वाले भक्त का यहाँ पर मनोरंजन हो सके, और साथ साथ राम वन गमन पथ का ये जो है अंतिम चरण रामाराम है जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ ही साल पहले घोषणा की थी, और यहाँ पर जो है काम शुरू हो चुका है। और कल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ रामाराम आएंगे और यहाँ पर इस गार्डन का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद जिला मुख्यालय सुकमा पहुँचेंगे जहाँ पर घड़ी चौक का उद्घाटन करेंगी और एक आम सभा को संबोधित करेंगे। और करीब 3 से 4 घंटे तक मुख्यमंत्री सुकमा जिले के प्रवास पर रहेंगे, जिसको लेकर तमाम प्रकार की तैयारियाँ जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है, और साथ ही साथ जो है मंत्री कवासी लखमा पिछले 2 दिन से जिला मुख्यालय सुकमा में है और तमाम तैयारियों का जो है वो जायजा ले रहे हैं। सतीश चांडक, न्यूज 18 सुकमा। गोला डोंगरी के कांग्रेस विधायक ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के विधायक ब्रह्मा भलावी ने सनसनीखेज बयान दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद कुछ बीजेपी नेता मिलने के लिए आए थे उनसे, उनका ऐसा कहना, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में आने के लिए 50 करोड़ का ऑफर उनको मिला, भोपाल इंदौर में घर खरीद कर देने का ऑफर भी मिला। 2018 में विधानसभा चुनाव के बाद भी ब्रह्मा भलावी बीजेपी के कार्यक्रम में दिखाई दिए थे, जिसे लेकर बवाल हुआ था। उस समय उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन में जानबूझकर कुछ लोग ले गए थे। भोपाल से खबर, निशा बांगरे के आयोजन पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आमला में सर्वधर्म शांति के नाम पर आयोजन हुआ, विदेशी सैलानियों को आयोजन में बुलाया गया, एमएचए और एमईए की अनुमति के बिना आयोजन में इनको बुलाया गया। श्रीलंका थाईलैंड के नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया था, विदेशी नेताओं ने नहीं दी थी भारत सरकार की अनुमति, गृह मंत्रालय ही दे सकता है अनुमति, लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई। प्रोटोकॉल उल्लंघन पर निशा बांगरे फंस गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, खंडवा से बड़ी खबर, जहां बीजेपी विधायक को जान का खतरा है। जी हां, विधायक राम डांगोरे ने मीडिया के सामने कहा है बीजेपी के विधायक राम डांगोरे को दलालों से खतरा है। उनका कहना है विधायकों के खिलाफ नकारात्मक माहौल बना रहे हैं कुछ लोग, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है, ऐसा कहना है विधायक का। दलाल लोग जनप्रतिनिधियों की टांग खींच रहे हैं और एक्सीडेंट कराने की साजिश भी कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं डांगोरे। जनप्रतिनिधियों के टांग खींचने का काम कर रहा है। 5,000 करोड़ रुपए पर इनकी नियत खराब हो चुकी है, इसलिए विधायकों के खिलाफ नकारात्मक नैरेटिव सेट करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए को इकट्ठा करके इनके खिलाफ नकारात्मक माहौल बनाने का काम किया जा रहा है, और कोई हाथ से नहीं किया जा रहा, ये पिछले 15 वर्षों से किया जा रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी। हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, हमारा एक्सीडेंट करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे विधायक को डैमेज किया जाए। चिरबिरी में झमाझम बारिश हुई, बारिश के पानी से सड़क समंदर बन गई। बारिश से सड़क पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। हल्दीबाड़ी मुख्य सड़क पर बारिश का पानी आया, देख सकते हैं तस्वीरों में इस तरीके से बाइक भी बही जा रही है, तेज बहाव में बाइक्स भी बहने लगी। बारिश के पानी से सड़क समंदर बन गई। आइए अब देखेंगे क्राइम टॉप 20।
नर्मदापुरम में जमीन विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, महिला की मौत, 5 घायल। निवाली में महिलाओं के बीच मारपीट, मां और बेटी ने एक महिला को पीटा, तीनों महिलाओं को हिरासत में लिया गया। जबलपुर में पुजारी के साथ बदमाशों ने की जमकर पिटाई, बदमाशों ने पहले युवक को पीटा, बीच बचाव करने पहुंचे पुजारी को भी पीटा। ग्वालियर में पकड़ा गया फर्जी टीटीई, आरपीएफ ने किया गिरफ्तार, तलाशी में मिला दो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड। बालाघाट में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, प्रेम प्रसंग में बड़े भाई ने छोटे भाई को मारा। मुरैना में युवती का अपहरण और गैंगरेप, दो बदमाशों पर आरोप, पुलिस कर रही तलाश। दुर्ग में महादेव ऑनलाइन सट्टे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। दुर्ग में ट्रेन से शराब तस्करी करने वाले गिरफ्तार, शराब की 33 बोतलें बरामद। दुर्ग में लूट के दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से लूटी गई स्कूटी बरामद। रायगढ़ में ग्रामीण बैंक का ताला तोड़ने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीण बैंक में हुई थी चोरी की कोशिश। गरियाबंद तेंदुए की खाल के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, तेंदुए की खाल बेचने की फिराक में थे आरोपी। बाजार में 15 अक्टूबर तक रेत खनन पर रोक, अवैध रेत खनन के चलते लिया गया फैसला। कोंडागांव में मत्स्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित हार्टबीट मछली मांगूर के साथ तस्कर पकड़ा। बिलासपुर में फूड इंस्पेक्टर की नौकरी लगाने के नाम पर 25 लाख की ठगी, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। बिलासपुर के लाल बैग में 15 किलो गांजा के साथ युवक गिरफ्तार, यूपी के बांदा जिले के रहने वाला आरोपी। बाजार में युवक ने अपने हाथ में पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन लगाकर की आत्महत्या, जांच कर रही पुलिस। खंडवा पुलिस के हत्थे एक शातिर गैंग चढ़ा, एमपी सहित अन्य प्रदेशों में चोरी की घटनाओं को दिया अंजाम। मुरैना में दो पक्षों में हुए विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, खूनी संघर्ष में 6 से ज्यादा घायल। डंडे में शराब पीने के दौरान दो दोस्तों में विवाद, आरोपी ने दोस्त को बस की छत से दिया धक्का, मौत हुई। बलरामपुर में हरमार बंदूक और विस्फोटक जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।